नमस्कार, मैं अनिल दीक्षित। आज हम आपको स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे। स्क्वायर रूट निकालने से पहले, स्क्वायर रूट दो तरह के नंबरों का निकलता है। एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकलता है, और एक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका भी स्क्वायर रूट निकलता है। आज हम आपको उनके बारे में बताना चाह रहे हैं जिनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हम कैसे पहचान लें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए दो तीन नियम है, थंब रूल है, उनको अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर को देख के कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और इसको बताने से पहले हम एक चीज आपको और बताना चाहते हैं कि हर टाइम पे 100% परफेक्ट आंसर मिलेगा ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको किसी टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि वो नियम पूरे कर रहा है उसके बावजूद भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लेकिन जो भी पॉसिबल है, जो भी कंडीशंस हमने अभी तक देखी हैं, उन कंडीशंस को हम आपको बता रहे हैं। तो पहली कंडीशन ये है, जैसे अगर कोई नंबर है 5, 7, 8, ये परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो पहली कंडीशन ये है कि यूनिट प्लेस को हमें देखना है, और यूनिट प्लेस पर अगर 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई? इसको याद रखने के लिए आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ये 2 है और ये 2 का कंप्लीमेंट्री डिजिट है, ये 3 है और ये 3 का कंप्लीमेंट्री डिजिट है। 2, 3 और उनके कंप्लीमेंट्री डिजिट अगर यूनिट प्लेस पर हैं, इसका मतलब ये है, चाहे वो कितनी भी डिजिट का नंबर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये, अगर हम उसको देखें दूसरी एंगल से, ये नहीं होंगे, इसका मतलब कौन से होंगे? 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। ये नंबर यूनिट प्लेस पे होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमने यहां पे इस 8 को हटा दिया और यहां पे हमने 6 लिख दिया, क्योंकि वो इस कैटेगरी में आता है। ये अगर नंबर है यूनिट प्लेस पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर ये है तो है। तो अभी हमने जब देखा कि यहां पे 6 कर दिया तो हमें ये समझ में आ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन को हम और देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि हम इन सारी डिजिट्स को जोड़ लें। क्या करें? ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी 2 डिजिट का हो या 4 डिजिट का नंबर हो, उन सारी डिजिट्स को जोड़ लें। जैसे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 13 और 5 18। जब हमने 1 और 8 को जोड़ा तो ये 9 हो गया। अभी नियम क्या है कि अगर बीजांक 1, 4, 7 या 9 है, बीजांक 1 है, 4 है, 7 है या 9 है, जब संख्याओं को सबको अलग अलग जोड़ रहे हैं तो हमें इनमें से अगर कोई नंबर मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 7 मिल रहा है या 9 मिल रहा है। हमने यहां पर देखा था 5 धन 7 धन 6, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18। और जब 18 को हमने 1 और 8 को जोड़ा तो हमें 9 मिल गया। जब ये 9, अब इस श्रेणी में ये नंबर 9 आ रहा है, तो अगर आ रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और तीसरी एक कंडीशन और है, वो इसमें यहां पे ये भी समझ लें कि अगर बीजांक इसके विपरीत को चाहता है, जैसे 0, 2, 3, 5, 6 या 8, ये अगर बीजांक आते हैं तो हम ये मान लें कि ये परफेक्ट नंबर स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इसके बाद भी, जो हमने आपको अलर्ट किया था कि इसके बाद भी कुछ कंडीशंस ऐसी हमने देखी हैं जिनमें कि ये तीनों कंडीशंस लग रही हैं, उसके बावजूद भी 4 हो गई, उसके बावजूद भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकलेगा। तो बी केयरफुल, ध्यान रखें कि हमें सही रिजल्ट का पता चल जाए, लेकिन वो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। एक और नियम है इसको, परफेक्ट स्क्वायर को जानने का, वो ये है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में
एक जीरो है या तीन जीरो है या पांच जीरो है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके विपरीत अगर दो जीरो है या चार जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे देखते हैं हम, दस का स्क्वायर कितना होता है, दस गुणे दस बराबर सौ, तो दो जीरो होती हैं, ठीक है। और सौ गुणे सौ अगर करेंगे तो दस हजार होता है, एक हजार नहीं होता। इसका मतलब तीन जीरो अगर हम यहां पर लगा देंगे किसी भी नंबर के आगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये विलोकनम मेथड होता है। इसका ये पहला पार्ट हमने खत्म किया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से केवल देख के नंबर देखोगे, एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा। धन्यवाद, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, हमें भी थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के इसी तरीके से डालते रहेंगे। धन्यवाद।